ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर लेकर आया हूँ मैं एक और वीडियो जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं क्या है, इसमें देख रहे हैं आप मैट्रिक स्पेस। यदि मैं आपसे कहूँ, पहले मैं मोट के बारे में बताऊंगा, यदि मैं कहूँ कि पांच है में से पांच हमारे पास एक दूरी है और दो है, यदि इनमें से हम मैं कहूँ कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो आप लोग सभी बता देंगे कि थ्री होगी, ठीक है। और यदि मैं एक दो का कह दूं एक दो, तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए -3, लेकिन डिस्टेंस जो होती है कितनी होती है, पॉजिटिव में। तो इस प्रकार से हम तुरंत बता देंगे कि ये पॉजिटिव आएगी डिस्टेंस। यदि हम मैं कह दूं ये एक एक्स है और एक वाई है, इनके मध्य में यदि डिफरेंस निकालने के लिए कहूँ, मैं डिस्टेंस निकालने के लिए कहूँ, तो आप क्या कहेंगे, या तो एक्स माइनस वाई कहेंगे या वाई माइनस एक्स कहेंगे। लेकिन इसमें हमें ये पता नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है। इसमें तो पता चल रहा था कि हमारा 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो सीधे सीधे 3 आ गया इसी, लेकिन इसमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम वेरीफाई इसको करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको मॉड मॉड में ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई के रूप में इसका, ऐसे इस रूप में ले लेते हैं। किस रूप में, इस रूप में इसको मॉड के रूप में लिखा जाता है। तो ये मॉड ही जब भी खोलता है किसने, पॉजिटिव में खोलेगा। ये तीन, ये भी मतलब क्या होता है, तीन तरह से कह सकते हैं डिफाइंड हो सकता है। वैसे तो एक्चुअली दो होता है। क्या होता है, यदि मॉड एक्स को हम डिफाइन करें, ये किस रूप में खोलता है, -x, वेन कब खोलेगा, जब इसका मान 0 से कम होगा, एक्स जब प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब एक्स इक्वल 0। तीन कैसे, एक एक्स से बराबर 0 हो जाएगा, ये तीन कंडीशन। इसको हम दो कंडीशन के रूप में इस रूप में लिख सकते हैं। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या है, इसमें जो मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे इसमें इसका बहुत यूज है, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखते हैं मैट्रिक स्पेस होता क्या है, ये तो जनरली थे, अब जानेंगे मैट्रिक स्पेस होता क्या है। तो सबसे पहले क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखते हैं, क्या डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है। एक हम कोई सा सेट मान लेंगे, माना कि सेट क्या कर लेंगे, लेट, माना लेट एक्स विद द नॉन एम्पटी सेट है। अब ये नॉन एम्पटी सेट लिखा, इसका मतलब क्या है, नॉन एम सेट कोई सा भी हो सकता है, रियल नंबर का भी हो सकता है, रेशनल नंबर का भी हो सकता है, या कोई इंटीजर का भी हो सकता है। क्या, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो नॉन एम्पटी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन एम्पटी होना चाहिए, मतलब उसमें 0 जे एस रूप में, जैसे हमने नल सेट पढ़ते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए, कैसा, नॉन एम्पटी होना चाहिए। तो क्या कर लिया, माना कि ये लेट एक्स बी द नॉन एम्पटी सेट है, एंड हम एक मैपिंग मानते हैं, लेट माना ए मैपिंग, या ए मैपिंग मान लिए, वो किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये कोई सा भी सब्जेक्ट का चिन्ह लगाते हैं, उसी के साथ मैपिंग करते हैं, ये यहाँ पर मैपिंग इनटू आर। अभी यहाँ पर मैपिंग हम किसी में कर सकते हैं, रियल में भी कर सकते हैं, या उसी के सेट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मान लिए मैपिंग जो है इस रूप में है, इस रूप में ये डिफाइंड है, किस रूप में देख रहे हैं, डी सच दैट एक्स, ये क्या है, ये क्रॉस है, ये एक्स नहीं है, ठीक है, क्रॉस एक्स मतलब एक्स का उसी के साथ क्रॉस में किसकी मैपिंग है, एक्स के रूप में, ठीक है, उसकी मैपिंग प्राप्त होती है। तो ये मान लिया क्या, ए मैपिंग बी एक्स क्रॉस एक्स इनटू एक्स, एंड देन इज सेट टू बी मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स, माना कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्पटी सेट, ए मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स इनटू एक्स इज सेट टू बी मैट्रिक्स फ्रॉम किस पर, प्रतिचित्रण क्या है हमारी मैपिंग, मैपिंग क्या है वो लिख देंगे, डी सच दैट एक्स
क्रॉस एक्स टेंस टू इनटू क्या हो जाएगा, एक्स माना है तो एक्स। अब ये इतना मान लिया क्या, मैट्रिक्स फ्रॉम डी सच दैट एक्स क्रॉस इतने में जी हमारी मैपिंग, तो हम मैट्रिक्स कहेंगे इफ यदि, कब कहेंगे इफ यदि जो डी है हमारा क्या है, डी है डी इज डी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्स, जो हम कह सकते हैं फॉलोइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एक ही नाम है प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, लेट माना एक्स बी द नॉन एम्प्टी सेट है, एक एक्स कोई सेट मानते हैं कौन सा, अरिक्त या नॉन एम्प्टी सेट है, ए मैपिंग कोई मैपिंग मान लेंगे जो इस प्रकार से डिफाइंड होगी, इस सेट टू बी ए मैट्रिक्स फ्रॉम इसमें इफ यदि डी सेटिस्फाई, मतलब जब डी सेटिस्फाई करेगा इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो नीचे दी जाएंगी उन प्रॉपर्टी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी यदि देखें इसकी वो क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें जैसा कि नाम से ही पता चलता है नॉन नेगेटिविटी, यानी इससे मतलब क्या होगा, इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा, अर्थात हम जो डी एक्स वाई होगा वो ग्रेटर इक्वल हमेशा इक्वल या ग्रेटर होगा 0 से, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, ये हमें सिद्ध करना पड़ता है नॉन नेगेटिविटी में, नाम से ही स्पष्ट होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, अब प्रतिचित्रण क्या है हमारा, एक्स की एक्स में डिफाइंड है तो क्या करेंगे एक्स में, देन तब क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे ये वाली प्रॉपर्टी सीधे, अभी तो हम डेफिनेशन उसको समझा रहे हैं, डी एक्स वाई जब ग्रेटर इक्वल हो जाएगा तो एक ये प्रॉपर्टी दिखाना है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है क्या, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डी एज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नॉन नेगेटिविटी, क्या नॉन नेगेटिविटी। इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं क्या नॉन नेगेटिविटी सिद्ध करना है, मतलब ये इस प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे इसमें, तो लेट ए सबसे पहले टू वेरिएबल मान लेंगे, फिर उसका हम ग्रेटर 0 से मान इक्वल दिखा देंगे, तो हमारी जो डी सेटिस्फाइड हो जाएगा नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। अब ये हो गई हमारी कौन सी, अब देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है जो वेनिस प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, वेनिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ता है, इसी का उल्टा कर दिया जाता है, मतलब क्या लेट माना इसको लेकर के हम क्या कर सिद्ध कर देंगे वो हम बता रहे हैं अभी, लेट कर लेंगे एक्स को ये सभी में इस रूप में मानना है, ये मानने के पश्चात इसको लेकर चलेंगे ठीक, क्या कर लेकर चलेंगे जो दिया रहेगा, मतलब जो हम इस प्रॉपर्टी से हल कर चुके होंगे उसे लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा इसको लेकर चलेंगे, तो हम इफ एंड ओनली इफ का चिन्ह लगा करके एक्स इक्वल टू वाई सिद्ध कर देंगे, तो हमारी ये वेनिस प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, हेंस क्या कह सकते हैं, हेंस डी इज सेटिस्फाई दी वेनिस प्रॉपर्टी ठीक है, इतना हो जाएगा। मतलब क्या वेनिस प्रॉपर्टी में क्या करना है, एक्स वाई ले लेंगे जिस मैपिंग में दी रही होगी एक्स के रूप में है, यदि आर के रूप में मानी होती तो यहाँ पर आर ले लेते, अब क्या करना है जो प्रॉपर्टी हम पहले दिखा चुके होंगे उस प्रॉपर्टी को लेकर के ये सिद्ध कर देंगे एस इक्वल टू वाई, तो हमारी जो वेनिस प्रॉपर्टी है ये हमारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। अब अगली जो देखें अब जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी देखें वो होती है हमारी सिमेट्री प्रॉपर्टी, कौन सी
सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी जैसे नाम से ही पता चलता, सिमेट्री मतलब क्या, एक्स वाई है इसकी सिमेट्री के रूप में कर दें, मतलब आपस में इनका स्थान बदल लें, तो क्या होती है वो सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो इसको हम देखेंगे कैसे, मैंने बताया वही मानना है, क्या करेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स क्या कर देंगे एक्स में, अब क्या करेंगे सिमेट्री दिखाना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए ये वाली, तब हमारा जो डी है वो सेटिस्फाई, ये कंडीशन हम दिखा देंगे सवाल में जब, तब क्या हो जाएगी हमारी जो डी है इज सेटिस्फाई दी कौन सी प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी। इतना हो गया, अब करना क्या है जी, हमारी सिमेट्री प्रॉपर्टी हो जाएगी लास्ट जो होती है ये होती है थोड़ी मतलब बेहतरीन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ये बन गई तो हमारा पूरा सवाल ही चला हल हो जाएगा ठीक है। तो क्या होती है, वो होती है ट्राइंगुलर, ट्राई एंगल भी इसे कह सकते हैं, ट्राई एंगल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इसका दूसरा नाम भी होता है ट्राई एंगुलर भी कह सकते हैं, ट्राई एंगुलर ठीक, ये इसके दो नाम से भी कह सकते थे। अब यहां से पता चला ट्राई एंगल मतलब, ट्राई एंगल मतलब क्या, ये त्रिभुज से संबंधित होगा तो क्या करेंगे एक त्रिभुज देख लेंगे, ये हमने ये ले लिया मान लिया, यहाँ पे वाई है यहाँ पे जेड, इसमें क्या क्या है तीन में हो जाएंगे तो क्या करेंगे लेट कर लेंगे थ्री एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू किससे एक्स से। इतना करने के पश्चात इसकी प्रॉपर्टी देखें, डी एक्स वाई लेस इक्वल, हम ये तो जानते हैं, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कक्षा 9-10 में, क्या पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा जो होता है हमेशा उसकी जो थर्ड भुजा होगी उससे अधिक होता है, तो क्या करेंगे वही लगा दें, उसी को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे, क्या एक्स जेड एक यहाँ पर क्या यहाँ पे चलेंगे एक्स जेड यहाँ पे चलेंगे जेड वाई, क्या डी जेड वाई, या तो एक रास्ता हो गया सीधा लेकिन ये क्या है छोटा तो यहाँ ये ले लिया, फिर इसमें क्या लिखेंगे डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये यदि ये कंडीशन हमारी होल्ड कर जाएगी तो हमारी ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, मतलब क्या डी ए अतः कह सकते हैं डी ए सेटिस्फाई दी कौन सी ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक, जब ये किसी मतलब सेट में मतलब कोई सी मैपिंग में यदि ये चारों जो मैंने ये बताई है प्रॉपर्टी यदि होल्ड करती हैं तो क्या कहलाने लगता है, वो मैट्रिक कहलाने लगता है। फिर जब इसका हम एक यहाँ पे कह सकते हैं इन दिस केस इन कंडीशंस में इन इन दिस केसेज डी एज क्या कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा, मैट्रिक्स एंड क्या अभी मैपिंग कौन सी एक्स के रूप में है एक्स डी इज आल्सो वी क्या कहलाएगा मैट्रिक्स स्पेस, जब हम इसकी कंजंक्शन के रूप में एक्स और डी के रूप में ले लेते हैं तो क्या कहलाने लगता है वो मैट्रिक्स स्पेस कहलाने लगता, क्या कहलाने लगता मैट्रिक्स स्पेस, यदि डी अकेला है तो उसे क्या कहती है मैट्रिक्स कहती है। तो हमने अभी देखी है क्या मैट्रिक्स स्पेस को समझा, अब इसे हम एक हल कैसे करते हैं इसके सवालों को वो देखेंगे, अब इसका सवालों का हल देखेंगे। हम कोई सा भी एक सवाल देते हैं, मान लिया कोई हमारे पास प्रतिचित्रण है डी सच डेट एक्स क्रॉस एक्स एक्स में ठीक, ये हमारी हम सवाल सीधे सीधे लिख रहे हैं
यहाँ पे हमारा ये डिफाइंड है किस रूप में, डी एक्स कॉमा वाई जो होगा इक्वल टू है मॉड एक्स माइनस वाई। हम इस सवाल को दिखाना है, हमें दिखाना है कि डी क्या है, जो मैपिंग होगी एक्स डी एज मैट्रिक स्पेस, हमें ये सिद्ध करना है। तो इस सवाल को हल कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, उन जो चारों प्रॉपर्टी बताई है उन्हीं चारों प्रॉपर्टियों को हल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो हमारी, वो थी नॉन निगेटिविटी। अब नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या था, बताया था कि सबसे पहले क्या कर लेना है, टू वेरिएबल कोई सी भी मान लेना है जिसमें हमारी ये डिफाइंड हो, मान एक्स में है तो एक्स में मान लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर हम जानते हैं कि मॉड एक्स जो लेंगे हमेशा ग्रेटर इक्वल क्या होता है, जीरो, उसके हमेशा आ गया तो वो इक्वल आएगा और हमेशा क्या आएगा, वो जीरो से बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या हो सकता है, एक्स माइनस वाई भी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब ये पॉजिटिव वैल्यू और डिफाइन किस रूप में है, डी एक्स कॉमा वाई, तो क्या आ गई, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। कह सकते हैं डी एज सेटिस्फाइड दी, कौन सी प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब इसके अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, वेनिस प्रॉपर्टी, क्या थी, वेनिस प्रॉपर्टी। वेनिस प्रॉपर्टी में क्या था, सबसे पहले हम क्या करते थे, ये तो मानना ही है एक्स और वाई, मान लिया एक्स है। अब बताया था कि जो हमने फर्स्ट नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी सिद्ध की है उसको लेकर के हल करेंगे, क्या करेंगे, टेक कर लेंगे, टेक कर लेंगे डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन से ले रहे, ये आ गया। अब इसका मान हमने इसमें मैपिंग में क्या दिया है, इस रूप में दिया है मॉड एक्स वाई इक्वल टू जीरो, किसी का भी वो निकाले तो क्या आएगा ये, तो एम्प्लाइज क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ का ये साइन होता है क्या हो जाएगा, वाई। जब हमारा ये सिद्ध हो जाएगा तो हमारी जो वेनिस प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी, अर्थात कह सकते हैं डी एज, अतः डी एज सेटिस्फाइड दी वेनिस प्रॉपर्टी। एक बार फिर से देख लेंगे, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई करें, एस में मैपिंग एक्स के रूप में ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये हम जानते हैं कि मॉड जो डिफाइंड होता है हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, तो फिर तब ये भी पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन जो है हमारे पास यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से देख ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा डी एक्स वाई। तो हमारी जो डी जो नॉन नेगेटिविटी में बताया गया था तो वही आ गया। इसी प्रकार से वेनिस प्रॉपर्टी देखें, तो इसमें हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, इसको हल करेंगे, एक्स बराबर वाई हो जाएगा, डी एस सेटिस्फाई हो गया। अब अगली हम देखेंगे, हमने दो प्रॉपर्टियों को दिखा दिया है, अब क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टी दिखाने के पश्चात अब क्या करेंगे, हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, बताया था कौन सी, सिमेट्री प्रॉपर्टी, कौन सी, सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी जैसा कि नाम से ही पता है कि सिमेट्री, उनका नाम से स्थानांतरण एक्स वाई का कर दें तो वो से यदि हो जाए तो क्या कहलाती है, सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो क्या कर लेंगे, टेक कर लेंगे एक्स कॉमा वाई जो है वो एक्स से है, देन तब कह सकते हैं हम लेके चलेंगे डी एक्स वाई या एक्स माइनस वाई। अब हम इसमें माइनस यदि कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा,
वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में निकलता है, तो यहाँ पर वाई माइनस एक्स, तब फ्रॉम फर्स्ट से देख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से देखने के पश्चात क्या हो जाएगा, डी एक्स है वाई एक्स। तो हमने देखा कि क्या हो गया, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी। तो क्या कह सकते हैं, डी एज सेटिस्फाइड दी, कौन सी प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं अगली जो होती है और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है उसे देखेंगे, वो क्या होती है देखते हैं। अब इसमें देखें जो फोर्थ वो होती है, क्या होती है, ट्राई एंगल, ट्राई एंगल प्रॉपर्टी। ट्राई एंगल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, बताया था कि तिरभुज, ट्राई एंगल तिरभुज मतलब उसकी तीन भुजाएं, तो तीन वेरिएबल भी इसमें मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स रहेंगे एक्स से, किसी सेट से। जब ये हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें वाई लेके चलेंगे, डी एक्स वाई इसको लेकर चलेंगे। तो लेकर चलेंगे तो क्या है, डिफाइंड किस रूप में है, मॉड एक्स माइनस वाई। अब क्या करें, इसमें हम यदि एक्स एक्स माइनस जेड इतना जोड़ दें, जेड जोड़ दें और जेड घटा दें और इनको एक कोष्टक में ले लें। अब यहाँ पर देख रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं वो देखिए, ए प्लस बी जो यदि लेके चलें तो क्या होता है, उनका अलग अलग मॉड हमेशा ग्रेटर लेस ग्रेटर इक्वल आता है। तो ये हमने इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन लगा तो ये साइन लगा दिया, क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ठीक, अब कंडीशन इसके हिसाब से रख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट से यदि देखें, यहाँ एक्स वाई था तो एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस जेड है तो क्या आएगा, डी एक्स जेड। सिमिलरली इसमें क्या आएगा, डी जेड वाई। तो हमने जो जो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या हो गई, होल्ड करें, क्या हो गई, डी एज सेटिस्फाइड दी, सेटिस्फाइड दी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक, जब ये चारों कंडीशन होल्ड हो गई तो कह सकते हैं, दस इस प्रकार कह सकते हैं कि डी एज ए, क्या इस रूप में लिखेंगे तो ज्यादा सही माना जाता है, एक्स डी ए ये क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा, क्या होगा, मैट्रिक स्पेस। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने जो ग्रुप की जो पांचों पांच प्रॉपर्टियों को हल करते थे, सेम इसमें, इसमें क्या ये कम ही हो गई है, क्या चार प्रॉपर्टी दिखा देना, जैसे ग्रुप में दिखाते थे क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रकार से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी इनमें दिखा देंगे, ये होल्ड कर गई है तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड है समझ में आ गया होगा। साथ में ये यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, और साथ ही मैं बता दूं कि अगले वीडियो में जो लेकर आऊँगा कुछ और एग्जाम्पल लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।